समझते थे वो कोई बड़ा लीडर है, बाद में वही रूबी प्लैटिनम पाल होगा, कि तो हाइलाइटर्स का कीड़ा स्टेज में तो मिलता नहीं है, अपने टीम में ही काम करवा लेता है वो, है ना। तो ये बहुत डेंजरस चीज है, और ये लोग इतना दिमाग बढ़ गया, इतना हाइलाइटेड हो गया, तो खुद का कंपनी खोलना है, खुद का कंपनी है, बड़ा कंपनी खोलना है। भाई किसी का इच्छा है खुद का कंपनी खोलना, है ना भाई। 3000 में ट्रेड लाइसेंस बनता है, 3000 में नाम दे दो कंपनी का, एक तो बन जाएगा ट्रेड लाइसेंस। अपना घर का कागज पत्र थोड़ा तो होता नहीं है, जो डिटेल्स होता है दे दो, आपका भी ट्रेड लाइसेंस कंपनी बन जाएगा। कंपनी कोई भी बना सकता है, पर करोड़पति स्मार्ट वैल्यू बना सकता है, और कोई नहीं। करोड़पति स्मार्ट वैल्यू बना सकता है, कंपनी कोई भी बना सकता है। छलक छाप कोई भी सड़ा गला घटिया कोई भी अपना कागज पत्र या ट्रेड लाइसेंस निकाल लिया, कंपनी बना लिया। पर करोड़पति लीडर अचीवर आपके स्मार्ट वैल्यू बना सकता है, और कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ऐसा बहुत है, जो बंदा कंपनी बना रहा है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद वो बनाया है, उसको पता ही नहीं इस कंपनी को बनाने के लिए एक मोटा बैक सपोर्ट चाहिए। स्मार्ट वैल्यू का बैक सपोर्ट क्या, उसको पता नहीं अभी तक। एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट है जिसके जरिए इतना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खड़ा हुआ है इंडिया में। जो कल एक कंपनी खोल दिया, आप रूबी बन के खोल दिया, पीपल बन के कंपनी खोल दिया, उसको पता भी नहीं, दो चार तो प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया, उसको पता भी नहीं आने वाले टाइम में टीम को चलाने के लिए पेमेंट स्ट्रक्चर, जब सही से पेमेंट देने का टाइम आएगा ना, तब दे नहीं पाएगा, कंपनी उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कंपनी इंडिया में रोज खुलता है, हर घंटे हर सेकेंड, और हर घंटे बंद भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है। और कुछ बंदर छाप लोग यहां बैठे हुए, हाँ, बंदर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरा पेड़, एक पेड़ से दूसरा, ऐसे ही करता है बंदर। तो कुछ बंदर मेंटली, हम लोग तो उसी जब, मतलब हम लोग का आदि पुरुष तो बोली थे ना पहले का, तो बंदर छाप कुछ है ना, उस कंपनी ज्यादा प्रॉफिट है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, उसमें पहले पहले ज्वाइन करेंगे तो ऊपर रहेंगे, सूर्योदास की तरह ऊपर रहेंगे, सूर्योदय की तरह उसके तरह ऊपर रहेंगे, ऊपर रहेंगे तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कुछ बंदर छाप आदमी है, वो बेवकूफ, उसको पता भी नहीं, तू तो यहाँ पे गोल्ड है भाई, तू वहां पर जाकर तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो से शुरू करना है, ये सब ना तो बुद्धि नहीं है। जिस कंपनी का कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कोई बैक बोन नहीं है, उसका जड़ मजबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है और दूसरा कंपनी ज्वाइन करता है, और जिंदगी को बर्बाद करता है बंदा। और सुजयदा अरविंदा इतने सीनियर बेवकूफ है क्या, यहाँ दादा बैठे हैं एडवोकेट, बुद्धि नहीं उनको, बेवकूफ है क्या, क्या लगता है, घास खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं क्या, चिकन उगन सब खाते हैं, है ना सर। 2% का बुद्धि, 2 पैसे का बुद्धि लेकर स्मार्ट वैल्यू के पहले साइकिल में घूमता था, फटा हुआ जींस पहनता था, कोई औकात नहीं है। स्मार्ट वैल्यू कपड़ा पहनना सिखाया, जूता पहनना सिखाया, टाई पहनना सिखाया, सम्मान दिलाया, उसको चलना स्मार्ट वैल्यू सिखाया, बोलना स्मार्ट वैल्यू सिखाया। वो बंदा आज कंपनी खोलने जा रहा है, वो औकात भी स्मार्ट वैल्यू दिया, उसका खुद का औकात है ही नहीं, जो कुछ भी है स्मार्ट वैल्यू का दिया हुआ है, जो कुछ भी है स्मार्ट वैल्यू का दिया हुआ है, जो कुछ भी है, उसके पास कुछ भी नहीं उसका। ऐसे बंदे से दूर रहो, डेंजरस वायरस। मैंने कोई बंदा हमको तो इतना, हम तो इतना गाली दिया फेसबुक में, तो मेरे एसोसिएट लोग फोन करने लगा कि सुमित भैया का फोन नंबर दे, उसको पता नहीं है सुमित भैया नहीं है, हम एक बब्बर शेर है, सामने चीर फाड़ के खा जाएंगे, चीर फाड़ के खा जाएंगे। हम लोग के इलाका में, हावड़ा जिला में ना, नेटवर्क लोग मेरे सामने डरता है, वो लोग डरता है, वो लोग सोचते इससे भिड़ जाएंगे ना, इसला कपड़ा पैंट सब खोल लेगा, सब फाड़ लेगा सर, इसको समझाएंगे या हम लोग अच्छे समझा देगा। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, स्टेबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत कम है, स्टेबल, एक बार समझना, स्टेबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टेबल। आज भारत सरकार ने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मान्यता दिया, ये सर नो क्यों दिया, पागल है क्या, क्यों दिया, और इंडस्ट्री वालों को समझना चाहिए वाला, क्यों दिया,
क्योंकि गवर्नमेंट जानते हैं, गवर्नमेंट जान सरकार जानता है कि कितना लोगों को नौकरी मिलेगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, उसके बाद आदमी जाएगा क्या? अब गवर्नमेंट जॉब देगा कितने दिन के लिए देगा? 30 साल का बाद लात मार के निकाल दे भागो यहाँ से, ये सर लो 30 साल लो, और 30 साल जो 30 साल के लिए नौकरी मिलेगा, 30 साल वो जो पैसा कमाएगा, 30 साल पहले बेरोजगार था, 30 साल बाद भी वो बेरोजगारी रहेगा, ये समझो। सिर्फ पेट चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, जिंदगी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने के लिए, खा के पहन के, इसके लिए गवर्नमेंट 30 साल उसको एक रोजगार देगा। हाँ या ना, रोजगार देगा। हाँ अभी तो सीवी है, रोजगार देगा। अच्छे सुने वाला बात, गवर्नमेंट को रोजगार देगा, उसके बाद लात मार के निकाल देगा। सरकार भी अच्छे से जानता है कि इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है, ये लोगों को रोजगार कौन देगा, है ना? इसलिए सरकार दिमाग लगाया कि हमारे पास एक लिमिटेड सीट है, इससे ज्यादा हम जॉब नहीं दे सकते, है ना? लिमिटेड सीट है, इससे ज्यादा हम जॉब नहीं दे सकते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतना पावर है, जितना लोग आएगा उतना को ले लेगा, और सबको करोड़पति बनाएगा, सबको रोजगार देगा, और सबको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। जितना आबादी बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री संभाल लेगा। गवर्नमेंट भी जानता है, गवर्नमेंट जानता है इस बार यहां पर जितना लोग आएगा सबको रोजगार मिलेगा, पर गवर्नमेंट सबको रोजगार दे नहीं पाएगा। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना आएगा सबको रोजगार मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा, और फैमिली सिक्योरिटी मिलेगा, और फ्यूचर सिक्योरिटी मिलेगा, ये जान लो कम पड़ेगा। इसलिए सरकार ने क्या किया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मान्यता दी है, ये जान लो है ना? और जितना इंडस्ट्री है सब में आपका लिमिटेड करियर है, लिमिटेड इनकम है, और लिमिटेड जीवन है। स्मार्ट वैल्यू में आपको अनलिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड सपना पूरा कर सकते हो, अनलिमिटेड खा सकते हो, अनलिमिटेड पहन सकते हो, अनलिमिटेड जी सकते हो, मन खोल के एंजॉय कर सकते हो। ये वो इंडस्ट्री है जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू, जिसमें हम लोग हैं, ये सब लोग। तो बुद्धिमान कोई है क्या? कोई लोग ऐसा, हमने इस टीम में ऐसे भी देखा है, हम लोग के टीम में 4 स्टेप हो गया। आज जो प्रोग्राम हो रहा है ना, कुछ दिन बाद देखोगे इसके बाद का जो एबिलिटी होगा कुछ आदमी नहीं मिलेगा, इसमें गायब हो जाएगा। जो लोग 10 बार जा रहा है 1 नंबर, तो उड़ोगी गाल होगा पहले। और जो लोग देखना खाना जब भी लगे, सबसे पहले जो दौड़ रहे खाने के लिए, वो सबसे पहले बिजनेस छोड़ेगा। कुछ होता है खाना खत्म ना हो जाए, सबसे पहले हम जगह लाइन देंगे। कुछ कुछ बंदा ऐसा होता है ना? तो इस FLTC प्रोग्राम में ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं, नेटवर्क नहीं देखेंगे वो। क्यों नहीं देखेंगे? उनके माँ बाप ने सिखाया है कि चु कोते ना पाल ले हाथी का सीखी नहीं दी। अब कितना बेवकूफ आदमी देखो, अगर हाथ का काम सीखेगा, लिफ्ट सराएगा, लिफ्ट बनाएगा, लिफ्ट का मिस्त्री बनेगा, AC मिस्त्री बनेगा, वॉशिंग मशीन संभालेगा, फ्रिज का मिस्त्री बनेगा, लकड़ी का भी मिस्त्री बनने 5 साल लगता है। ये जितना काम है ना हाथ का सीखने वाला, 5 साल लगता है। 5 साल कुत्ता की तरह काम करेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसको लेबर बना के खटाएगा, ये समझो। 5 साल बाद वो मिस्त्री बनेगा, अब बेटा वो इनकम करेगा, पर डे 500, तो महीना में 15,000, ये समझो। और हम लोग उसी 5 साल में एक 10th pass, 1 fail लड़के को करोड़पति बनाते हैं, और दुनिया में कोई प्रोफेसर हम नहीं है, ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्मार्ट वैल्यू में है। वही 5 साल अब यहाँ पे दो, वही 5 साल अब यहाँ पे दो, एक बंदा 15,000 का नौकरी के लिए वो हाथ का काम सीखने जा रहा है, 15,000। आज हम लोग यहाँ पे एक बंदा अगर एमरेट बन जाता है, वो महीने में 3 लाख कमा लेता है ना? तो 3 लाख के साथ 30 का डिवाइड करो, 1 दिन का 10,000 होता है, 1 दिन का 10,000, वो भी स्मार्ट वैल्यू से होता है, कहीं से नहीं होता है। और जो पूरा महीना में कमाएगा वो हम लोग के स्मार्ट वैल्यू का, सोच लो कि 1 दिन का इनकम होता है, कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा, ये जान लो। उसको ये बात समझाओ कि तुम हाथ का काम सीखोगे, मिस्त्री बनोगे, 10th pass ग्रेजुएट करने के बाद कहीं नौकरी करोगे, 15,000 रुपए का सैलरी मिलेगा, 30,000 रुपए सैलरी मिलेगा, और हम लोग के स्मार्ट वैल्यू का हमारे 3 दिन में 30,000 रुपए कमाता है, तो दुनिया में कोई इंडस्ट्री में नहीं होगा, स्मार्ट वैल्यू से होगा। जिंदा है तो हाथ ताली जोरदार होना चाहिए।
टिका रहना है, क्या करना है, सिस्टम स्टेबल रहना है, स्टेबल याद रखना है। जहां से पैदल चल के जाएंगे वहां पर भी अपना पैर का निशान छोड़ के जाएंगे, दुनिया देखेगा कि सुमित कुमार सिंह इधर से गया है, ऐसा औकात बनाना है। ये समझो, ऐसा काम करना है कि आप, आपको दुनिया याद रखे। जब ट्रेनिंग दोगे, स्टेज से बात करोगे, जब आप यहां से, जब यहां से स्पीच करोगे, तब आपका ट्रेनिंग लेके एसोसिएट रात में सो नहीं पाएगा। ऐसा ट्रेनर लीडर आपको बनना है स्मार्ट वालों से। और इस साल टारगेट ले लो, एक ही टारगेट ले लो, गोल्ड बनना है, गोल्ड बनना है, ओनली फॉर गोल्ड, बल्कि यहां से निकलना है। और सामने साल अप्रैल मई में गाड़ी लेना है और ऐसा वीडियो बना के दिखाना पर दिखाया जाएगा नेक्स्ट FLTC में। तो कौन कौन का गाड़ी नेक्स्ट FLTC में आ रहा है, आपका सबका वीडियो दिखाया जाएगा। ये सर नो आएंगे ना, गोल्ड कंप्लीट करेंगे ना। और माथा में रखना, हाइलाइटर्स का कीड़ा दिमाग से निकालो कि सीनियर हमको मेरा नाम नहीं लिया। यहाँ पे मेरे बहुत लीडर है, बहुत लीडर है, मेरी टीम का ग्रेट लीडर है, भरत राणा पुलोक जाना है, जोरदार हाथ तली होना चाहिए। और ज्वाइन तो खड़ा जो उड़ीसा में काम कर रहा है अभी, और इस साल टारगेट है कि उड़ीसा से मिनिमम एक तो सफेद निकालेंगे और मिनिमम उड़ीसा से हम लोग जितने जन आए हैं सबको गोल्ड बनना है। ये जान लो बनना है ना, उड़ीसा भी कम नहीं है दिखाना, ये जान लो है ना। ये टारगेट लेके यहां से जाना है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हाइलाइटर्स में कितना बोल दे, हम इस कीड़ा को दिमाग से निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक कीड़ा मेरा नाम नहीं लिया। मेरे टीम में तीन तीन लेडी आइकॉन है, पहले एक मंडल था रीना मंडल, जबरदस्त ताली होना चाहिए। अभी स्मार्ट वैल्यू मेरे टीम में तीन तीन मंडल आ गया है, रीना मंडल, अर्चना मंडल, सुजन मंडल, ये लोग को भी हाथाली होना चाहिए। आज तीन तो मंडल धमाका काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक ही बात बोलेंगे, यहाँ पे ऑल लीडर है कोसी का मेरा, बाबुन ढोली है, ये सबके लिए हाथ तो ताली होना चाहिए, जिसके लिए, जिन लोगों के मेहनत के लिए मैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। पर दिमाग से ये वाला कीड़ा निकालना पड़ेगा कि मेरा नाम नहीं लिया। एक बात याद रखना, टीम के अंदर लीडर लोग के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, याद रखना, मतभेद हो सकता है। आज मेरे साथ सोभी दर्शक मन मतभेद हो सकता है, पर मन भेद नहीं है, मन भेद नहीं है, मतभेद हो सकता है कि दादा से थोड़ा बात हो गया, अपने इमीडिएट से तो झगड़ा हो गया, दादा ये काम ऐसा करेंगे, मतभेद हो सकता है पर मन भेद होना नहीं चाहिए। आपका सीनियर को लेकर कोई गलत बात बोलेगा, मार के मुंह फाड़ देना चाहिए उसका, तब वो मेरा सीनियर है। मतभेद है पर मन भेद नहीं हम लोगों का, ऐसा यूनिटी होना चाहिए। ये सुनो, सीनियर जूनियर टीम के अंदर ऐसा जोरदार यूनिटी होना चाहिए, मतभेद हो सकता है पर मन भेद होना चाहिए। और जब दिल मिला रहेगा ना, तो स्मार्ट वैल्यू का झंडा हम लोग ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में गाड़ के रहेंगे। हर एक टीम का एसोसिएट के अंदर बोल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे सीनियर के साथ बैठ के डिस्कस कर सॉल्व कर लो। भाई मतभेद का प्रॉब्लम है, मनभेद का प्रॉब्लम नहीं है। जिस सीनियर से सब बैठे खाए हो, घूमे हो, खेले हो, समुद्र में डांस किए हो, बाहर डांस समुद्र में जीवन किए, इतना कुछ किया, दिन को भूल कैसे जाते हो आप लोग? भूल के इतना दिन कटाया हुआ, एक साथ एक रूम में रूम शेयर किया, एक साथ खाना खाया, एक साथ डांस किया, एक साथ प्लेन में, जो बंदे साइकिल में घूमते थे उनको ड्रीम दिखा दिखा के उनको अचीवर बना के थाईलैंड क्वालिफाई कराया, उनके उनको लेके प्लेन में विदेश घूमने जा रहे हैं, 5-star एंजॉय कर रहे हैं, LDC आ रहे हैं, लक्स आ रहे हैं, इतना कुछ एंजॉय एक साथ कर रहे हैं, कुछ लोग भूल कैसे जाते हैं? दिल नहीं आप लोग के अंदर? इस बिजनेस क्या किसके लिए कर रहे हो? सेल्फिश लोगों का बिजनेस नहीं है ये बिजनेस, दिलदार लोगों का बिजनेस है। हम लोग का सुजो सोभिकदा है, उनको बोलते हैं गोल्डन हार्ट ऑफ स्मार्ट वैल्यू, हर एक इंसान को लेके चलते हैं। बहुत प्रॉब्लम होना चाहिए, किस सिस्टम को ले गोल्डन हार्ट होना पड़ेगा। दिल ना आपको ना जो कांच का ग्लास होता है ना, इस पार उस पार दिखना चाहिए। कुछ एसोसिएट सामने एक रकम होता है, पीछे दूसरा रकम हो जाता है।
सामने एक रकम बात कर रहा है, दादा 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 करके पैर में गिर जाएगा, दादा 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 दादा। माता रखना, वो बड़ा भांस देगा आपको, बड़ा भांस देगा वो आपको। जितना ज्यादा दादा, एमएटी में ऐसा भी एसोसिएट था कि मेरे पैर में कादा गिर गया कीचड़, तो एसोसिएट क्या कर रहा है, रुमाल निकाल के पॉकेट से मेरे जूते से मतलब कीचड़ साफ कर रहा है। क्या कर रहा है, तो रुमाल से कीचड़ मत कर, तो उस टाइम बेवकूफ थे ना, इतना अच्छा लगा यार, मेरा भाई से ही बढ़िया है, ये भाई से इसके लिए तो जान दे देंगे हम। और एसोसिएट लग रहा है, ऐसा प्यार दिखाएगा, इतना इज्जत दिखाएगा तो क्या लगेगा आपको, अरे भाई मेरे खून का भाई से भी ज्यादा बढ़ के ये मेरा है। और जिस दिन वो पलटी मारेगा, जितना बड़ा इज्जत इतना बड़ा महसूस देगा, तब पता चलेगा भाई इस चक्कर में नहीं फंसना है, ये सर इस चक्कर में नहीं फंसना है, इस चक्कर में फंस गए तो आप बर्बाद हो गए, क्योंकि एक हाईलाइट ऐसा कीड़ा है और दूसरा कीड़ा है का सेफरेट गेम, दिमाग में ढोका लो, क्या घुसा लो, सेफरेट गेम। थोड़ा टीम बन, पहले रास्ते का कुत्ता नहीं पहचानता था, अब चार स्टेप बन गया, अब यहां से ट्रेनिंग लेके जाएंगे गोल्ड भी बन जाएंगे, क्या सर गोल्ड बन जाएंगे, उसके बाद हम लीडर बन गए, अलग ट्रेनिंग, अलग मीटिंग, अलग प्रेजेंटेशन, अलग खाना, एसोसिएट पकड़े गए, इधर आ ए इधर आ ए इधर आ ए ये चालू हो जाता है फिर। एसोसिएट लोग को ए उधर क्या करने गया था, इसको सेफरेट गेम बिजनेस में। फिर एसोसिएट लोग क्या करता है, हाईलाइटर्स का कीड़ा दिमाग में घुस गया, जब भी हाईलाइटर्स का कीड़ा दिमाग में घुसेगा सेपरेट गेम चालू हो जाएगा, वो तो बड़ो लीडर है, वो ना बड़ा लीडर है, उनसे बात करने के लिए तुमको कम से कम 4 स्टेप होना पड़ेगा, तब जाके तुम दादा से मिल सकते हो, तब तक हम तुम्हारा लीडर है, तब तक हम तुम्हारा लीडर है। अब सर एसोसिएट सोचता है हाँ 4 स्टेप करेंगे तब सुमित्रा के साथ बैठेंगे, और 4 स्टेप हो ही नहीं पाएगा, वो कहां से होगा, अगर सूर्य का किरण अगर इस घर में नहीं घुस पाएगा, अगर आप एक पौधा फेंक दोगे साला वो भी कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। सही बात, पौधा को पेड़ बनाने के लिए सूर्य का किरण जरूरी है, ये जानो, इस बिजनेस में डेवलप करने के लिए टॉप लीडर का सपोर्ट जरूरी है, अगर टॉप लीडर का हाथ नहीं रहेगा, हम टॉप लीडर का हाथ नहीं रहेगा, इस सिस्टम में कोई भी बीज पौधा नहीं बन सकता है, और कोई भी पौधा बड़ा पेड़ नहीं बन सकता है, कोई भी पौधा बड़ा पेड़ नहीं बन सकता, दिमाग में डाल लो ये वाला बात, ये सब प्लानिंग पुराना हो गया, इसको सेपरेट गेम बोलते हैं मेरे भाषा में, वो सेपरेट गेम खेलना बंद कर दो, ऐसे ऐसे वाला गेम बहुत टीम में चल रहा है ना, हमारे सीनियर ने टाइम नहीं बोली तो होती, हमारे संग फोन कर भी सीनियर फोन नहीं की कर भी, ऐसा होता है हर टीम में होता है, क्या होता है, पहले हाइलाइटर्स का कीड़ा, उसके बाद आता है सेपरेट गेम, उसके बाद टीम खत्म, लेवल बढ़ेगा ही नहीं सर, सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम पाल खेल खत्म, उसके बाद नहीं बढ़ेगा भाई, डायमंड नहीं हो पाएगा, सफेद नहीं हो पाएगा, क्राउन नहीं हो पाएगा, अगर ये वाला होना है तो सीनियर के संग कनेक्शन बनाओ और टॉप लीडर के संग कनेक्शन बनाओ, सबको साथ लेके चलो, यूनिटी के साथ चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबको साथ लेके चले थे, तब जाके लड़ाई छिड़ा था और तब जाके देश आजाद हुआ था। तो सेफेंड गेम खेलना बंद कर दो, इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए, गोल्डन हार्ट होना पड़ेगा, अंदर से बाहर से साफ होना पड़ेगा, और हर एक एसोसिएट जो कल ज्वाइन किया है उसको भी इंपॉर्टेंस देना है। हम लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं, एसोसिएट कोई बाहर से फोन किया, वो बोल रहा है दादा हमारे 40 यूनिट टीम 10 यूनिट टीम है दादा, ट्रेनिंग देते हंसबे, कुछ भी ऐसा होता है, तू एक काम कर, तू जब तक 100 का टीम नहीं बनाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे, ऐसा गांडू लीडर को लात मार के निकाल दो, लात मार के निकाल दो ऐसे लीडर को, उससे बिजनेस नहीं हो पाएगा। अरे लीडर वो है जहां पे एक एसोसिएट है उसके लिए भी अगर जाएगा वो लीडर है, और वो लीडर 1000 लीडर पैदा कर सकता है, 1000 करोड़पति बना सकता है, 1000 सक्सेसफुल बना सकता है, एक एसोसिएट जो कल ज्वाइन किया है उसके साथ भी जमीन पे बैठ के बात करना पड़ेगा, तब जाके आप लीडर बनोगे, जमीन पे बिजनेस यहां से शुरू होगा, यहां से जमीन से,
आसमान में बैठ के बिजी नहीं होता है। एक बच्चे को गोद में उठाने के लिए ना झुकना पड़ता है, झुकना जरूरी है, झुकना जरूरी है। सबसे में ऐसा नहीं चलेगा, भगवान श्री कृष्ण भी झुके थे, है ना। जो भगवान झुक तक झुक सकता है, हम तो इंसान है, है ना। आज बहुत कुछ होता है टीम में, सबके टीम में प्रॉब्लम होता है, ये सब ना, पर हम वो इंसान है जो झुकना जानते हैं। अपने ही टीम में ऐसा बहुत केस है, हम जांच के बात करते हैं, बाद में मेरे टीम के लीडर लोग बोलता है तो सुमिता ना हमसे ना जांच के बात करने आया था, हम पत्ता नहीं दिया। अबे तुमका 2 रुपया का औकात नहीं है तुम्हारा। सर हम जो गाड़ी चढ़ते हैं उसका टैंक फुल करने का औकात तुम्हारा नहीं है। उसके बाद भी हम झुके, क्योंकि हम बाप है ना, बच्चे को, बच्चा कितना भी बदमाश हो, बच्चा कैसा भी हो, बाप का व्यवहार नरम होना चाहिए। और झुकना जो जानता है वो आसमान को फाड़ के ऊपर जाना भी जानता है। झुकना जरूरी है, आप अगर झुकना नहीं सीखोगे उठना कभी नहीं सीखोगे। आज जिंदगी में कितना भी सक्सेस मिले, जितना क्रेडिट है ना सब टीम को दे दो, टीम के लिए हुआ है। और दूसरी बात, अगर टीम को दे दो और नेक्स्ट कल कोई है ऊपर वाले को पूरा क्रेडिट दे दो कि जो कुछ भी स्थिति आज तक किया है स्मार्ट लू से सब ऊपर वाले के वजह से हुआ हो, ये वाला किया है। कभी ईगो नहीं आएगा, और ईगो आपका आत्मा को गंदा करता है, मन को गंदा करता है। ईगो को जिस दिन अपने अंदर से उखाड़ के बाहर फेंक सकते हो, उस दिन आप करोड़पति बनोगे, लीडर बनोगे, और जितना लेवल है सब लेवल आप अचीव करोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। सब क्रेडिट ऊपर वाला को दे दो, किसको दे दो, ऊपर वाला को। तो समझ में आ रहा है, yes! गोल्ड बनना है ना, yes! लेवल मारना है ना, yes! इस एबिलिटी से मारना है, yes! और वीडियो दिखाना है, yes! हीरो बनना है ना, yes! अरे फिल्म वाले जो हीरो होते हैं वो सिर्फ अपने को हीरो बनाते हैं, हम लोग तो ऐसा हीरो है खुद भी हीरो बनते हैं और लाखों लोगों को हीरो बनाने का क्षमता हम लोग रखते हैं। ये तो नो, हम लोग जितने एसोसिएट करते हैं हम लोग एक एक क्रिएटर एंड लीडर क्या है, भगवान ने हम लोग को बनाया, और हम हर एक भिखारी को करोड़पति बनाएंगे। आई एम द क्रिएटर हम लोग को सोचना पड़ेगा, और आई एम द लीडर, और आई एम द लीडर एंड आई एम द लीडर ये सोचना पड़ेगा, तब जाकर आपका बिजनेस होगा। और सेल्फ डिपेंडेंट बनो, क्या बनो, सीनियर छोड़कर भाग जाएगा टेंशन नहीं है, खुद जो दिन जब जिंदा रहोगे, अगर आप जिंदा रहोगे वहां से फिल्म स्टार्ट होगा, और दुनिया आपको याद रखेगा। ये सुन लो, तो जान लगा के काम करना है जी, मतलब एकदम आग लगा देना है, और इस एपीएलडीसी के प्रोग्राम को एंजॉय करने का करना है, और बिजनेस जो अभी हुआ है इससे 10 डबल जम करना है। ये सुन लो, तो सबसे लास्ट में जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भगवान आपके साथ सबके जिंदगी में बहुत उन्नति लाए, बहुत सुख लाए, यही मेरा मनोकामना है। थैंक यू।